गोरखपुर में मौजूद है एक ऐसा शिव मंदिर और उसके अंदर के शिवलिंग के सामने मोहम्मद गजनवी को नतमस्तक होना पड़ा था। गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के पास एक गांव सरैया तिवारी मौजूद है। यहीं पर झारखंडी महादेव के मंदिर में शिवलिंग भी मौजूद है। मंदिर में पूजा करने आए प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि सोमवार को यहाँ तो लोगों की भीड़ होती है, लेकिन खास करके सावन के महीनों में लोगों की श्रद्धा कुछ और ही हो जाती है। इस मंदिर पर भी आक्रांता मोहम्मद गजनवी आया और मंदिर को ध्वस्त करना चाहा, शिवलिंग को तोड़ने की काफी प्रयास भी की, लेकिन शिवलिंग तोड़ ना सका। शिवलिंग जब नहीं टूटा तो मोहम्मद गजनवी ने शिवलिंग के ऊपर कलमा लिखवा दिया और आज भी उर्दू में लिखे उस कमले को शिवलिंग के ऊपर साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी है कि भगवान भोले को जल चढ़ाने सोमवार को पहुंच जाते हैं। इसके लिए समझिए मुगलों ने बहुत पहले आक्रमण किया था और उस समय भी शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए थे और अभी भी उनके शिवलिंग पे समझ लीजिए कुछ उर्दू में लिखा हुआ है जो हम लोग तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन बताते हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ है।